मेरे प्यारे दोस्तों, यह है हमारे वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल के वीडियोस के कुछ कमेंट्स। इनमें से कुछ फ्यूचर के वीडियोस के बारे में है। आज हमने पहली बार में चुना है लकी सब्सक्राइबर की क्यूटेस्ट कमेंट को। तो चलिए, हमारे चाहने वालों की पसंदीदा फरमाइश पूरी करने के लिए बड़ी खुशी से आज हम ला रहे हैं सुपर डुपर वीडियो साइबेरियन टाइगर वर्सेस पोलर बेयर। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल के अलावा ऑनलाइन की दुनिया में एक और नया प्रोडक्ट इसी फरमाइशी वीडियो के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जितना प्यार आपने हमारे वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल को दिया है और हमें मोटिवेट किया है, उतना या उससे कई गुना ज्यादा प्यार हमारे इस नए प्रोडक्ट को आपका मिलेगा। साथ ही आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं भी हमारे साथ होगी। नए प्रोडक्ट की जानकारी वीडियो के बीच में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारे चाहने वालों की पसंदीदा फरमाइश पूरी करने के लिए ही हमने खास कर इसे बनाया है। तो चलिए, देर किए बगैर वीडियो एंजॉय करते हैं। आप कमाल की होने वाली इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साइबेरियन टाइगर वर्सेस पोलर बेयर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है साइबेरियन टाइगर और पोलर बेयर की लड़ाई में कौन जीतेगा? आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन साइबेरियन टाइगर हो या पोलर बेयर, किसी के भी सामने मैं तो जरूर जीत जाऊंगा। इतना ही नहीं, वो दोनों मिलकर एक साथ आए तो भी यकीन कीजिए, मैं हारने वाला नहीं हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, साइबेरियन टाइगर और पोलर बेयर कभी एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो आंखों में आंखें डाल के जरूर एक दूसरे को बताएंगे कि पूरी दुनिया में हम दोनों की नस्लें खत्म होने की कगार पर है और हम एक दूसरे से लड़के खुद को ही पूरा नाम शेष करने का जिम्मा भला क्यों उठाए। यह तो आपने या तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा ही होगा। तो चलिए, हम आपस में कॉम्प्रोमाइज करके पीछे हटकर एक साथ पीछे मोड़ करते हैं और फ्यूचर में भी हमारी नस्ल जिंदा रखने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यह तो सिर्फ एक जोक था मेरे प्यारे दोस्तों, एंजॉय इट। लेकिन आज के समय में इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में भालों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें सबसे खतरनाक पोलर बियर को ही माना जाता है। और वाकई में यह बहुत खतरनाक भालू है, जो कि अधिकतर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ टाइगर की बात करें तो टाइगर दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है, क्योंकि टाइगर से जीत जाना किसी भी जानवर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनकी ताकत का तो आपको भली भांति अंदाजा होगा ही। लेकिन अगर पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर की बात करें कि इन दोनों में से तगड़ा कौन है और अगर इन दोनों में फाइट होती है तो विनर कौन बनेगा, यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि पोलर बेयर और साइबेरियन टाइगर दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक शिकारी माने जाते हैं और ये दोनों ही जानवर अपने अपने इलाके के राजा होते हैं। अगर बात करें इनके फिजिकल स्ट्रेंथ की तो एक साइबेरियन टाइगर का वजन 440 किलोग्राम तक होता है और इनकी लंबाई 3.5 मीटर से भी ज्यादा होती है। इसके साथ ही इनका बाइट फोर्स यानी काटने की क्षमता 950 पीएसआई और रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। तो ये तो थी साइबेरियन टाइगर की शारीरिक विशेषताएं। अब हम बात करेंगे पोलर बियर की। अगर एक पोलर बियर के वजन की बात करें तो ये 600 से 700 किलोग्राम तक भारी होते हैं और इनकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, पोलर बियर का बाइट फोर्स 1200 पीएसआई होता है, जो कि टाइगर से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इनकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि टाइगर के मुकाबले काफी कम है। टाइगर हमेशा अकेला रहता है, अकेले रहने की वजह से वह ज्यादा एग्रेसिव होता है और थोड़ी सी भी हलचल पर वह हमला कर देता है। और अकेले रहने के वजह से बहुत ज्यादा खूंखार और बिल्ली प्रजाति का होने से बहुत ज्यादा चालाक होता है। अकेले होने के बावजूद वह अपने से भी बड़े आकार के जानवरों का शिकार करता है। इसमें इंडियन एलिफेंट और इंडियन गोर भी शामिल है, जबकि पोलर बियर छोटे ही शिकार करता है। इसका मतलब यह बड़े शिकार नहीं कर सकता, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि वह जिस इलाके में रहता है उसी इलाके में बड़े जानवर मिलते ही नहीं है। इसी वजह से ये सी और मछलियाँ पकड़ कर खाने में माहिर होते हैं। ये छोटी छोटी तो क्या, मीडियम साइज की भी मछलियाँ पकड़ के खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों जानवरों के बारे में तो हमने जान ही लिया है, तो अब यह भी बता दे कि इन दोनों जानवरों के बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा। आपको क्या लगता है, क्या
पोलर बेयर अपने भारी भरकम शरीर और वजन का फायदा लेते हुए साइबेरियन टाइगर को मार देगा, या साइबेरियन टाइगर अपना एग्रेसिव नेचर, तेज रफ्तार और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पोलर बेयर को बिना पकाए कच्चा चबा जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो स्मार्ट फोन्स हैं, उनसे हम जल्दी बोर नहीं होना चाहते। ज्यादातर मोबाइल्स एंड्रॉइड हैं, जो कि कस्टमाइजेशन के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कई तरीकों से हम अपने स्मार्टफोन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो है अपने मोबाइल के वॉलपेपर को चेंज करना। आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर अपनी लाइफ में डे टू डे चेंज कर देते हो तो यकीनन आपका मूड अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं 12K8K फ्री वॉलपेपर्स ऐप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 12K वॉलपेपर्स ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, बल्कि यह वीडियो पूरा होते ही बस उसे प्यार से टच करना है। लिंक को टच करते ही गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और ऊपर ऐसा पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। यह हमारे वॉलपेपर ऐप का लोगो है, इसे याद रखिएगा। हम इसके स्क्रीनशॉट से देखते हैं। यह देखिए कितने बढ़िया और शानदार वॉलपेपर्स है इसी ऐप में। यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो भी बाकी है मेरे मेरे दोस्तों। ऐप का पूरा लुक तो उठाने के लिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। यह देखो डाउनलोड हो रहा है। बहुत ही लाइट वेट, यानी सिर्फ 14 MB और कम नेटवर्क में चलने वाला ऐप हमने खास आपके लिए डेवलप किया है। चलिए इसे अब ओपन करते हैं। वेलकम टू वॉलपेपर ऐप। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर एक बार नेक्स्ट, फिर डन। उसके बाद अलाउ परमिशन करना है। अलाउ करते ही ऐसा ब्यूटीफुल इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यह देखिए इधर लेटेस्ट वॉलपेपर्स आ जाएंगे। आगे पॉपुलर वॉलपेपर्स, जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा पसंद किए गए वॉलपेपर्स आ जाएंगे। बीच का बटन टच करते ही कैटेगरीज और कलर्स का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं रेड कलर्स के वॉलपेपर्स, ये देखिए ग्रीन वॉलपेपर्स, जो कि अपनी आंखों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप इसमें से कौन सी भी एक कैटेगरी चुन सकते हैं। यह देखिए इतनी ढेर सारी कैटेगरीज इसमें आपके लिए परोसी है। अब आगे का बटन टच करते हैं, जिसमें रहते हैं रैंडम वॉलपेपर्स। आप देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप साल भर भी से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते रहेंगे तो भी वॉलपेपर्स आपसे विदा होने का नाम ही नहीं लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें से जो भी या जितने भी वॉलपेपर्स आपको पसंद आएंगे, उसे आप इसी चिन्ह पर टच करके फेवरेट में जोड़ सकते हैं। हम देख लेते हैं जितने भी वॉलपेपर्स फेवरेट किए थे, वो सभी वॉलपेपर्स फेवरेट सेक्शन में हमारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप कौन से भी बटन में किसी भी वॉलपेपर पर टच करके एडिट करके अपनी मर्जी से उसे ब्लर कर सकते हैं, या अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप की स्क्रीन के साइज अनुसार उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप अपने किसी भी मन पसंदीदा वॉलपेपर को टच करके सेट एज होम एंड लॉक टच करके एक ही सेकंड में घूमने के बाद अप्लाइंग, डन और फिर अप्लाई ऐसा लिखा आएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि वाकई में यह वॉलपेपर अपने होम स्क्रीन पर अप्लाई हुआ है या नहीं। ये देखिए अप्लाई सक्सेसफुल। आपका प्यारा सा वॉलपेपर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके उसे डाउनलोड करेंगे तो आप उसे ऑफलाइन के वक्त भी गैलरी सेक्शन में हमेशा के लिए अपने नजरों के सामने देख सकते हैं। इसके साथ ही आप कौन सा भी या कितने भी वॉलपेपर आप शेयर के लोगों पर टच करके इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ साझा कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक कितने भी वॉलपेपर डाउनलोड करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मोबाइल के होम या लॉक स्क्रीन पर सेट करना खास आपके लिए बिल्कुल फ्री है मेरे मेरे दोस्तों। अगर हमारा आपका मूड फ्रेश करने का ये प्रयास या हम सबका अपना ऐप आपको पसंद आया हो तो आप उसे अपने मर्जी से स्टार्स दे सकते हैं और अपने कमेंट्स रिव्यू सेक्शन में हमें भेज सकते हैं मेरे मेरे दोस्तों। कुछ लोगों को पोलर बेयर पसंद आता है तो वे पोलर बेयर
टाइगर को विनर बताएंगे। और कुछ लोग साइबेरियन टाइगर के चहेत है तो वो लोग साइबेरियन टाइगर को जंग का सिकंदर कहेंगे। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही जानवर हमें बेहद पसंद है, लेकिन फिर भी हम सब मिलके अपनी चाहत एक तरफा रख लेते हैं और अपना ढेर सारा ज्ञान, कई सालों का तजुर्बा, इतिहासकालीन घटनाएं और अद्भुत प्रकृति ने दिए हुए दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और इस घमासान लड़ाई के सिकंदर को चुन लेते हैं। एग्रेसिव अटैकिंग नेचर। इंडियन इतिहास के शिवाजी महाराज ने बताया कि युद्ध में वही बाजी मार लेता है जो अपने दुश्मन पर सबसे पहले हमला करता है, और टाइगर इस कसौटी पर खरा उतरता है। वह अपनी शिकार पर शिकार को जरा सी भी भनक लगने के पहले ही अटैक करता है, जिससे शिकार की मौत पक्की समझो। स्ट्रेंथ चालाकी। अगर पोलर बियर किसी तरह से साइबेरियन टाइगर को अपने भारी भरकम वजन से दबा दे तो टाइगर का हिलना मुश्किल हो सकता है। फिर तुरंत पोलर बियर अपने ताकतवर पंजों से टाइगर के मुंह पर वार करे, अपने मुंह से उसे नोच नोच के उसे इतना घायल कर दे कि टाइगर कमजोर पड़ जाए। तो इस लड़ाई में पोलर बियर के जीतने के चांसेस ऊपर ऊपर से तो बहुत ज्यादा दिखते हैं, लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे समझने के लिए फिर से इंडियन हिस्टोरी में शिवाजी महाराज के जीवन में घटी घटना को देखते हैं। बहुत ताकतवर 150 से ज्यादा किलो वजनी 7.5 फीट ऊंचे अफजल खान को 50 किलो वजनी और सिर्फ 5 फीट ऊंचाई वाले शिवाजी महाराज ने निडरता से बड़ी चालाकी का इस्तेमाल करके महाकाय अफजल खान का पेट फाड़ डाला था। और अफजल खान के 45,000 सैनिकों को अपने गुरिल्ला वार का इस्तेमाल करके सिर्फ 10,000 सैनिकों की मदद से धूल चटाई थी। साइबेरियन टाइगर इतना स्ट्रांग होता है कि वह अपने ऊपर पड़े 1000 किलो के भार को भी आसानी से सह सकता है। साइबेरियन टाइगर के लिए पोलर बियर का 750 किलोग्राम भार सह लेना बारिश में गिरी बूंदों को झटक देने जैसा ही है। साइबेरियन टाइगर खुद को हुई चोट को भी सह कर दुगुनी तिगुनी फुर्ती से अपने दुश्मन पर टूट पड़ता है। साइबेरियन टाइगर को बिल्ली प्रजाति की सबसे बड़ी बिग कैट माना जाता है, और बिल्ली प्रजाति इतनी चालाक होती है कि किसी तार के जंजाल में बिल्ली को रख दिया जाए और बिजली का सप्लाई चालू किया जाए तो उसमें से भी बिल्ली गजब का फुर्तीलापन इस्तेमाल करके सही सलामत बाहर आ सकती है। और एक खुद हमने अपनी आंखों से अपनी खुद की बिल्ली के बारे में देखा है जो गलती से बिजली का सप्लाई चालू हो गया था। इसी फुर्तीलेपन का इस्तेमाल करके साइबेरियन टाइगर अपने ऊपर हुए हमले से निजात पाकर अपने दुश्मन पर दुगुनी तिगुनी फुर्ती से हमला कर सकता है। और अगर साइबेरियन टाइगर ने घात लगाकर पोलर बियर के गर्दन को छलांग लगाकर पकड़ लिया या उसकी खोपड़ी में अपने कैनाइंस को धसा दिया, अपने पंजों से बियर को कस के रखा तो स्पाइन इंजरी के कारण पोलर बियर पैरालाइज भी हो सकता है। और सेल्फ डिफेंस के मामले में अज्ञानी पोलर बियर को संभलने का मौका दिए बगैर साइबेरियन टाइगर उसका काम तमाम कर सकता है। एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत से जानवर है जो टाइगर का शिकार होने से बचने के लिए भागने की व्यर्थ कोशिश करते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे जानवर हैं जो उसका खाना होने से बचने के लिए उसके साथ लड़ाई करते हैं। लंबी देर तक चली इस लड़ाई का नतीजा भी यही होता है कि आखिर शिकार टाइगर के पेट में जाकर ही आराम करना पसंद करता है, क्योंकि टाइगर के साथ जंग जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही है, जिंदगी से जंग जीतने जैसा ही है। इन सभी लड़ाई झगड़ों का टाइगर को बड़ा एक्सपीरियंस होता है। कहावत भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक उसी तरह टाइगर्स शिकार लड़ाई करने में मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन चुके होते हैं। आप भी थोड़ा सोचिए, हम जिस चीज की निरंतर प्रैक्टिस करते हैं उस चीज का हमें एक्सपीरियंस हो जाता है और एक दिन हम उसमें मास्टर की हासिल कर लेते हैं। और उसी चीज को हम कभी भी इतनी आसानी से कर सकते हैं कि हम जिसमें माहिर होते हैं उसे करते वक्त हम दूसरी भी कई चीजें आसानी से कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम सुई और धागे की मदद से फूलों की माला बनाने वाले को याद कर सकते हैं। अब आइए लड़ाई के बारे में पोलर बियर का तजुर्बा क्या है इस पर थोड़ा उजाला डालते हैं। पोलर बियर का शिकार एक तरफा होता है, यानी कि वह जिस पर हमला करता है वह शिकार सिर्फ बचने की कोशिश करता है, वापस में अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि छोटी मीडियम साइज की मछलियां ही पोलर बियर का भोजन होता है। अब आप तो जानते ही है कि वहाँ की मछलियाँ बेचारी वापस पोलर बियर पर अटैक क्या करेगी। इन सभी हालातों की वजह से बड़े खूंखार जानवरों के ऊपर हमला करना या उनसे वापस खुद पर अटैक हुआ तो अच्छी तरह से डिफेंस करना पोलर बियर को जरा सा भी मालूम नहीं रहता। भले ही हाइट, वेट और ताकत के बारे में पोलर बियर साइबेरियन टाइगर की तुलना में 1.25 या 1.5 गुना आगे हो, लेकिन बड़े खूंखार जानवरों के ऊपर एग्रेसिव अटैकिंग और दुश्मन से वापस हमला हुआ तो डिफेंस का नॉलेज
इन दोनों बेहद इम्पोर्टेंट स्किल के बारे में पोलर बियर साइबेरियन टाइगर के सामने मानो दूध पीता बच्चा ही होता है। और ये दोनों स्किल्स ऐसे हैं जो किसी भी जानवर को विनर बनाने के लिए काफी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट के बारे में हम आपको अपना उदाहरण दे देते हैं। समझो आप उम्र में मुझसे ज्यादा बड़े, मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा होशियार हो, लेकिन ड्राइंग, स्पीच और शतरंज के खेल में मैं बड़ी आसानी से तुम्हें हरा सकता हूँ, क्योंकि इन स्किल्स में मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन जो हूँ और स्टेट कॉम्पिटिशन भी पार्टिसिपेट करके आया हूँ। दूसरी तरफ आप मुझसे भले ही काफी छोटे, कम होशियार या कम ताकतवर हो, फिर भी आप जिस चीज में मास्टर है और उस चीज का मुझे जरा सा भी ज्ञान नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस चीज में आप आसानी से मुझे हरा सकते हैं। मेरे बड़े दोस्त, बात अगर सिर्फ मछलियाँ पकड़ कर खाने की है तो इसमें 100% पोलर बियर ही जीतेगा, क्योंकि मछलियाँ पकड़ कर खाने में पोलर बियर मिस्टर परफेक्शनिस्ट होते हैं। और जाहिर सी बात है इसका मैं साइबेरियन टाइगर की हार पक्की है। लेकिन मेरे बड़े दोस्त, बात अगर इन दोनों के आपस के टकराव की है, बात अगर दोनों के लड़ाई की है, तो हमारी राय से तो इस लड़ाई में ज्यादा हाइट, भारी वजन, ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी टाइगर की तुलना में कम फुर्तीला और दूतर्पा लड़ाई का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस न होने के कारण पोलर बियर परलोक सिधारेगा। वही दूसरी तरफ कमाल का फुर्तीलापन, भार और चोट सहने की शक्ति, एग्रेसिव नेचर, तेज रफ्तार, डिफेंस का ज्ञान और लड़ाई झगड़े का ढेर सारा एक्सपीरियंस होने के कारण साइबेरियन टाइगर राजा की तरह विनर का मुकुट पहनकर पोलर बियर को बिना पकाए कच्चा चबा जाएगा। और अगर ऐसा ना हो के यह लड़ाई अगर कमेंट सेक्शन में बेहद लंबे समय तक चलते रही तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का टच करके वॉलपेपर ऐप जरूर इंस्टॉल करें और इसके साथ ही हमारा वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों।